थंबनेल के ऊपर दिए गए पांचों पर्सन और इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं अटल टनल से आगे के नज़ारे हैं और ये 4 दिन पुराने हैं। ध्यान दीजिए, 4 दिन पुराने हैं और इसमें आपको चारों पांचों पर्सन हैं उनका मैं उत्तर देने वाला हूं। तो आपको बताते हैं, पहला पर्सन लेंगे बर्फ़ कहाँ मिलेगी। तो बर्फ़ आपको अटल टनल है उससे आगे शिशु विलेज है वहाँ मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी मात्रा कम हो चुकी है। जिस तरफ आप देख रहे हैं रोड साइड भी प्रकाश या लाइट सनलाइट डायरेक्ट गिरती है तो वहाँ कम हो चुकी है। जहाँ डायरेक्ट नहीं गिरती है वहाँ आपको बर्फ मिल जाएगी। तो और हमता पास में काफ़ी कम हो चुकी है, सोलांग वैली के अंदर बर्फ बची ही नहीं है, ऊपर साइड है जो आपके काम की नहीं है। तो आप अटल टनल आ सकते हो। और साथ में ये बता देना चाहता हूँ कि कोविड रिपोर्ट के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कोविड रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश आने वाले टूरिस्ट को एक जगह आवश्यक है और बाकी जगह कोई आवश्यक नहीं है। आप बिना किसी कोविड रिपोर्ट के आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और साथ में मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहाँ ज़रूरी है, यदि आप स्पीति यानी जो लाहौल स्पीति का जो स्पीति रीजन है वहाँ की यात्रा करते हो, काजा की तरफ जाते हो, तो आपको वहाँ आपको चाहिएगा कोविड रिपोर्ट। वो भी उसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, तो उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। वहाँ आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए कहाँ, कब तक, 30 मार्च तक। उसके बाद में क्या परिवर्तन होता है तो उसके बारे में मैं अपडेट देता रहूँगा। तो ये चैनल आपको हिमाचल टूरिज्म से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बर्फ का हो गया, अब बात करते हैं कुंजुम पास की। कुंजुम पास ओपन है या नहीं? जी हाँ, कुंजुम पास ओपन नहीं है। कब ओपन होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंजुम पास ओपन की मैंने एक वीडियो बनाया था, रोहतांग पास कब ओपन होगा और मनाली ले हाईवे कब ओपन होगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि रोहतांग पास लेट क्यों हो रहा है, और रोहतांग पास जैसे ही खुलेगा उसके बाद ये कुंजुम पास खुल जाएगा, जिससे आप मनाली से कुंजुम पास होते हुए काजा और स्पीति रीजन है जो आप सीधे डायरेक्ट कुंजुम पास के थ्रू जा सकेंगे या कुंजुम पास से इस तरफ आ सकेंगे। आपको बता देंगे कि इसके लिए भी परमिट की आवश्यकता होती है यदि आप मनाली से कुंजुम पास जाते हो तो। और अब बात है अटल टनल की, तो अटल टनल फिलहाल खुली है और ध्यान दें कि 11 बजे से 12 बजे के मध्य मेंटेनेंस पर्पस, दिन के समय मेंटेनेंस पर्पस 11 बजे से 12 बजे के दौरान बंद रहती है, इस बात का अवॉइड करें। तो ये 4 दिन के पहले हैं अटल टनल का जो शिशु विलेज है वहाँ के नज़ारे हैं। और शिशु विलेज में अभी स्नो फेस्टिवल चल रहा है, स्नो फेस्टिवल लाहौल स्पीति का। इस बार का एक जो यहाँ के मंत्री हैं उनके सहयोग से और सरकार की सहयोग से एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल चला जो लगभग फरवरी से शुरू हुआ था, 2 महीने हो गए इसको अब समाप्त होने को है। यदि आप वहाँ की यात्रा करें तो आपको वहाँ की जो स्थानीय कल्चर है उसको जानने का अवसर मिलेगा। तो यह है चंद्रा रिवर का शानदार कल कल बहता हुआ वो एकदम निर्मल पानी। और चैनल निवेदन करता है कि यहाँ आप आए तो इसको गंदा ना करें, प्लास्टिक साथ लाएं तो प्लास्टिक अपने गाड़ी के अंदर ले जाकर होटल के अंदर ही कचरे पात्र में डाल देवें। तो इस प्रकार के नज़ारे देखने हैं तो आप चले आइएगा लाहौल स्पीति, अटल टनल से आगे का इलाका है। अब बात करते हैं स्नोफॉल कब होगी। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन मैं गारंटी और दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि 22 मार्च से 24 मार्च के मध्य स्नोफॉल अपर साइड यानी कि अटल टनल और रोहतांग पास मिल जाएगा। थोड़ा सा सुनिए और सुनिए,
तो ये कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही अटल टनल पर स्नोफॉल या रेनफॉल होता है तो टूरिस्ट के लिए अटल टनल बंद कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि 5 जनवरी को अटल टनल के ऊपर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके अंदर सैकड़ों टूरिस्ट वाहन फंस गए थे। प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और टूरिस्ट को भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए अटल टनल समय रहते बंद कर दी जाती है, जिससे यहाँ आने वाले स्नोफॉल एंजॉय करने वाले टूरिस्ट है वो वंचित रह जाते हैं। क्योंकि मार्च का महीना है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुके हैं, इसलिए अटल टनल के आसपास या रोहतांग पास जो बंद है वहाँ ऊपर साइड स्नोफॉल की संभावना है। और जैसे आप भाग्यशाली हैं कि सोलांग वैली तक भी आ जाए, संभावना अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा कन्फर्म नहीं बता सकता। अपना रिकॉर्ड जो पिछले का रिकॉर्ड है वो ख़राब नहीं करना चाहता, तो अपने रिस्क पर ही यात्रा करें, अपना विवेक ही के अनुसार ही ये मतलब मैं कन्फर्म नहीं बता रहा, लेकिन स्नोफॉल की थोड़ी सी संभावना बन रही है इसलिए बोला है। और शायद स्नोफॉल का ये लास्ट वीडियो प्रेडिक्शन का हो सकता है। हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दिया गया, पैकेज के लिए टैक्सी के लिए आप संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपकी कोई क्यूरी है तो लिख भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।